गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जे जे एडू। मैं सीए विशाल गोयल। आज आपको लग रहा होगा ये पीछे इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया, ये क्या लिखा हुआ है? आप तो टैक्स पढ़ाने वाले इंसान हो, टैक्स की डिसीजन करने वाले इंसान हो, ये क्या ले आए? मैं अपने सब्जेक्ट से कहीं दूर जा ही नहीं सकता, मेरा सब्जेक्ट ही मेरा ब्रेड बटर है और मेरा पैशन है। लेकिन आज एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि अब इलेक्ट्रिक कार्स का प्रचलन चल रहा है और आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाना है। अभी थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि चार्जिंग पॉइंट वगैरह इन चीजों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और नई चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम भी लग जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स की कल को डिमांड भी बढ़ने वाली है और सारी चीजें, और इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक कार्स के जो सबसे हायर वर्जन हाईएस्ट लेवल वाले मॉडल आ रहे हैं वो काफी महंगे हैं। जैसे आपको नेक्सन दिख रही है 19,28,000 ऑन रोड। मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं गुड़गांव में बैठा हूँ, ठीक है। और ये एमजी की आई है, ठीक है, ये तो 29 लाख रुपीज की, ठीक है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो भाई मैं ज्यादा बड़ा इंसान नहीं, मैं तो ज्यादा ज्यादा 2-4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर पाऊंगा, बाकी तो मेरे को लोन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन कराना और उसके बाद इंटरेस्ट भरना, चलो लोन कराया प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो सबसे बुरा फैक्टर लगता है। अरे यार ब्याज देना पड़ रहा है। हमारे हमारे इनकम टैक्स में पहली बार एक ऐसी डिडक्शन दी गई जो कि अगर आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो ना तो आपने जो कार खरीदी है उसका इंटरेस्ट पे करने पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जरा ध्यान से देखो इस चीज को, अरे देखो जरा इसको, ये देखो पहली बार, मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जो बिजनेसमैन है, जो ऑलरेडी बिजनेसमैन है वो तो 28-44 DB में जाएगा और वहां पे सेक्शन 32 में इंटरेस्ट वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, और जो इंटरेस्ट पे करेगा उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर लेगा। लेकिन मेरे जैसा जॉब करने वाला बंदा, कोई पेंशनर है, मतलब क्या रिटायर हो गए और अब सिर्फ पेंशन से अपनी गाड़ी चल रही है और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक कार भी खरीद ली, रेंटल इनकम आती है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार खरीदी, अब इलेक्ट्रिक कार खरीदी तो उसका इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, तो उन लोगों को भी डिडक्शन मिल जाएगी। और डिडक्शन कौन से सेक्शन में मिलेगी? 80EEB में। तो बहुत अच्छा सेक्शन आया है, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात जरूर क्लियर कीजिएगा, एक खर्चे की डिडक्शन दो जगह नहीं मिलती, मतलब क्या, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन वहां पे क्लेम हो रहा होगा जो आपकी कॉस्ट है, और इंटरेस्ट भी आप पीजीबीपी के हेड में डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे। आपको फिर दोबारा एज अ इंडिविजुअल आपको सेपरेट 80EEB में डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको या तो 80EEB में क्लेम करनी है यहां पे क्लेम करनी है, ठीक है। तो ये बात क्लियर कीजिएगा इस स्लाइड से कि अगर आप बिजनेसमैन नहीं भी हैं, जॉब कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ जॉब कर रहे हैं, मतलब अब आप ये देखो कि अगर आप जॉब कर रहे हो आपको 80C 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, उसके अलावा 80D मिल रहा है आपको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का, 80GG भी मिल रहा है अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं, हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा, आरएफए नहीं मिल रहा, तो अब एक इंडिविजुअल के लिए एक एडिशनल डिडक्शन हो गई और काफी ज्यादा अमाउंट की डिडक्शन हो गई। जरा ध्यान दो, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं क्या करता हूं, ईएमआई कैलकुलेटर खोल लेता हूं। देखो जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्लास होती है उसमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाती, और मेरे को इस टाइम पे मौका मिल रहा था एक छोटी सी वीडियो बनाने का, तो मैंने ये सारी हरकतें करने की कोशिश की। दिखाता हूं आपको, आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये देखो मैंने सिर्फ ईएमआई कैलकुलेटर डाला, ठीक है ना, और यहां पे ईएमआई कैलकुलेटर फॉर कार लोन डाल देता हूं। मैंने बस ईएमआई कैलकुलेटर डाला है फॉर कार लोन, और मैं इसे सर्च पे डालता हूं। आ गया भाई कार लोन एक्सिस बैंक का, मेरे को थोड़ा सा ना वो इसका यूजर इंटरफेस अच्छा लग रहा था तो मैंने इस वजह से एक्सिस बैंक का डाला, और कोई वजह नहीं, आप किसी से भी खोल लीजिएगा क्योंकि वो ऑप्शन तो आपको दे गई। तो लोन कितना कराना भाई, जब मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी, ठीक है, तो ये देखो ना 19,28,000 की गाड़ी, वो 29 लाख रुपए की गाड़ी, भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं, मेरे को तो कम से कम भी 15 लाख रुपए का लोन चाहिए होगा, गरीब आदमी, ठीक है। तो अगर मेरे को 15 लाख रुपए का लोन चाहिए होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 7.5% नहीं 8.5 तक मिलता है, 8.5, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए सॉरी, ठीक है 15 लाख रुपए डाल दिए, और 7 साल का मैंने लोन कराया, ठीक है जी।
तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया मेरा 7 लाख रुपए, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, मैं जूम करूं क्या आपके लिए? जूम जूम जूम। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है 15 लाख रुपए, इंटरेस्ट पेमेंट टोटल ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स 4,95,397 की आपने दी, और उसका भी बाइफिकेशन आपके पास आ रहा है। तो अगर आपको ये देख रहा है सेकंड वाला कॉलम दिख रहा है, तो 1,21,215 रुपए का आपका इंटरेस्ट गया, 1,21,215 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया। अब ये देखो कि ये जो मैंने आपको डिडक्शन दिखाई अभी आपको, ये जो मैंने आपको डिडक्शन दिखाई, तो अब आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इस सेक्शन में, और कितने तक की कर सकते हो अभी डिस्कस करूंगा डिटेल में, डिटेल में अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 1,50,000 रुपए की, और बाकी बातें अभी कर रहा हूं और सारी चीजें समझेंगे। तो मतलब आप लोगों ने जो 1,21,000 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट जो बन रही है, यहां पर इंस्टॉलमेंट भी तो लिखी हुई होगी, इंस्टॉलमेंट कितने की है, 23,755 की इंस्टॉलमेंट बनी। पूरे एक साल आपने इंस्टॉलमेंट दी, तो पहले साल आपने 1,21,215 का इंटरेस्ट पे किया, उसका पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगी आपको। आपकी जो भी टोटल इनकम है 80C क्लेम करो, 80D क्लेम करो, और 1,21,215 भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन की बात कर रहा है। कितना अच्छा सेक्शन है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल। एक बात देखना, यहां पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात समझ पाएंगे। ओआर, एनओआर और एनआर कोई भी हो, वो ये डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहां पे रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात नहीं लिखी हुई। आगे डिडक्शन किस रिस्पेक्ट में मिल रही है, कहता है इंटरेस्ट। मैं आपको कहा क्या कहा, इंटरेस्ट। तो इतना जरूर है कि इंडिविजुअल को जो उसने प्रिंसिपल रीपेमेंट किया, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर रहा तो डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकता। हाँ, इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहे हैं, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय हिम फॉर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना। डिडक्शन कितने के तक की मिलेगी आपको, 1,50,000 रुपए तक की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। मतलब क्या, हम लोगों ने 15 लाख रुपए का मैंने आपको लोन दिखाया था, तब भी आपको 1,21,215 मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट जा रहा था, तो आपको इतने की डिडक्शन पूरी की पूरी अमाउंट की मिल जाएगी। ठीक है, आगे डिडक्शन क्या कहता है, फॉर असेसमेंट ईयर 2021, जो पहला साल आया था उसके बाद, इन्होंने ये डिडक्शन एक्सटेंड की फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। यहां पे एक दो चीजें आपको बताता हूं, आगे भी आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। मतलब आपने इन सालों में, आप अगर आपने लोन लिया और रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। लेकिन क्या कहता है, लोन हैज बीन सेंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग ऑन 1/4/2018 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। तो आपको डिडक्शन जब भी मिलेगी, आपका लोन सेंक्शन हो गया हो 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के बीच में, 31 मार्च 2023 तक को भी आपका लोन सेंक्शन हो गया तो भी दे देंगे। मतलब अभी एक साल और बचा हुआ है सर, इसका मतलब उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। बेटा अभी तक तो यही है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ेगा और गवर्नमेंट उस चीज को और प्रमोट करना चाहती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस डेट को और एक्सटेंड कर देगी। नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या, वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अगर यहां पर डिडक्शन क्लेम कर लेता है, तो उसको पीजीबीपी के हेड में डिडक्शन नहीं मिलने वाली। तो यहां पे इंडिविजुअल कौन सी की बात हो रही है, अगर मैं कहूं कि बाय डिफॉल्ट किसकी बात हो रही है, जो बिजनेसमैन है वो तो ऑलरेडी पीजीबीपी में डिडक्शन क्लेम कर लेगा। तो यहां पे कोई मेरा जॉब वाला भाई है, कोई पेंशनर है, ठीक है, मतलब कोई भी बंदा जिसकी पीजीबीपी के अलावा कोई और इनकम है, पीजीबीपी की इनकम अर्न नहीं कर रहा कोई इंडिविजुअल, तो वो यहां पे डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो छोटी सी डिडक्शन थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। आप लोगों में से जो लोग इंडिविजुअल की रिटर्न्स वगैरह भरते हैं, सैलरीड क्लास की भरते हैं, तो उनसे जरूर पूछे कि आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रखा है क्या। एक छोटा सा पॉइंट जाते जाते और बता देता हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बोल रखा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बस इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मतलब क्या, इवन आपने टू व्हीलर लिया, इवन आपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लिया, तो भी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट की, उसकी डिडक्शन यहां पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, तो नीचे लिंक में हमारी जेजे एडू ऐप का लिंक आ रहा है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, ठीक है, लिंक आ रहा है तो वो वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, और इन प्रोफेशनल लेवल्स की बहुत सारी क्लासेस आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से देखिए, और उसके बाद बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स पे, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है शेयर कीजिए, लाइक ठोके, जिससे कि थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल जाए कुछ छोटी छोटी वीडियोज बनाने का। थैंक यू फ्रेंड्स।